पूरे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से लोग परेशान हैं। वहीं प्रयागराज में भी संक्रमित मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है। सरकार ने होम आइसोलेशन की सुविधा भी दे दी है। ऐसे में कई संक्रमित मरीज घर में ही रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद पल्स ऑक्सीमीटर की मांग तेजी से बढ़ने लगी। होम आइसोलेशन की सुविधा होने से इसकी डिमांड में 3-4 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई। लोग घर में अपना ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए इसे खरीद रहे हैं। ब्रांडेड कंपनी का पल्स ऑक्सीमीटर महंगा है। इसका फायदा उठाते हुए कई कंपनियों ने कम कीमत की नकली पल्स ऑक्सीमीटर बाजार में उतार दिया है। इसे देखते हुए इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन चिंतित है। वहीं अध्यक्ष अनिल दुबे, महामंत्री परमजीत सिंह ने बताया कि सस्ता होने के कारण आम लोग गुणवत्ता को नज़रअंदाज करके इसे खरीद रहे हैं, जिससे कि सीधा स्वास्थ्य पर हमला हो रहा है। सही पल्स और रीडिंग ना पता चलने से घातक भी हो सकता है। केमिस्ट एसोसिएशन ने लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी के दौरान हर व्यक्ति की जरूरत बन गई है, पल्स ऑक्सीमीटर ब्रांडेड ही खरीदे और नकली पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग और पल्स सही ना बताने से स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, यदि आपने 300 रुपये 250 रुपये वाला लिया और आपका एक्चुअल रीडिंग 90 के नीचे है और वो हमेशा 98-97 बताता है तो आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप ऑक्सीजन आप ये मान के चल रहे हैं कि 98 है जबकि वो है 90 के नीचे। इसलिए हमेशा ब्रांडेड का इस्तेमाल करें और हम अपने एसोसिएशन के तमाम जो इसको डील करते हैं सर्जिकल वाले और मेडिसिन वाले जो ऑक्सीमीटर बेचते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, अनुरोध है और आदेश भी है कि वो किसी भी प्रकार का ऐसा सामान जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गलत रीडिंग बताता है, उसके तहत अगर मरीज़ की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो भी है। इसलिए वो हमेशा सही माल बेचें और गुणवत्ता का जांच स्वयं करें और मरीज को भी करें। गाइडलाइन के अनुसार भी हमको ये कहा गया है कि ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर और जो दवाई की है उसको रखना ज़रूरी है, तभी आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। इसलिए ऑक्सीमीटर तो मस्ट हो गया कि हर आदमी को चाहिए। कभी जैसे हमारे लिए मजबूरी हो गई थी कि हम बिना मास्क के और बिना सैनिटाइज़र के नहीं चल सकते थे या सैनिटाइज दुकान कराना रहो, वो थोड़ा कम हो गया है। अब ऑक्सीमीटर की डिमांड इसीलिए बढ़ गई है होम आइसोलेशन की वजह से। और हम लोग की कोशिश ये रहती है कि बाज़ार में बहुत से सस्ते भी ऑक्सीमीटर आ गए हैं जिसके वजह से लोगों को पता नहीं होता तो लोग ले लेते हैं। और ख़ासकर हमने अपने मेंबर्स को ये कहा हुआ है कि आप ऑक्सीमीटर के ऊपर या क्या कहते हैं थर्मामीटर के ऊपर या जो भी कोरोना संबंधित दवाई सर्जिकल की आती है उसमें आप प्रॉफिट के नाम पे अपने आप को बहुत नाप बहुत कम रखें, जिससे लोगों को आसानी से पहुँच जाए। उधर इलाहाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रोहित सिंह ने दावा किया है कि नकली पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की जांच करने पर वो फिक्स ऑक्सीजन लेवल ही बताएगा। ऐसे में किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उसे पता नहीं चल सकेगा। उपाध्यक्ष ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीमीटर ब्रांडेड ही बेचे, जिससे कि लोगों को सही समय पर पल्स और रीडिंग प्राप्त कर सके, जिसके रहते अपना इलाज करा सकते हैं। देखिए, जैसे पहले मास्क ज़रूरी था, सैनिटाइज़र ज़रूरी था और ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, वैसे ही आज की डेट में पल्स ऑक्सीमीटर भी ज़रूरी हो गया है। क्योंकि हर आदमी ने और सरकार ने कहा है कि अगर 90 के नीचे हमारा ऑक्सीजन बॉडी में है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम इफेक्टेड हो रहे हैं। इस वजह से ऑक्सीमीटर की डिमांड बढ़ी है। और जैसा कि अभी हमारे महामंत्री जी ने भी कहा कि इसको जहाँ से भी लें उसको ब्रांडेड ही खरीदें, सस्ते के चक्कर में सस्ता ना खरीदें। जो खरीदे लाइसेंसी दुकान से खरीदे, जो हम लोग के ने यहाँ पे लीडर रोड में 8-10 हम लोग की सर्जिकल की दुकानें उनसे खरीदे, जो रिटेलर हैं उनसे खरीदें। बस मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि एक गलत रीडिंग आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर सस्ते बिक रहे हैं, जो 300, 350, 250 रुपये में बिक रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई रीडिंग सही नहीं है। ब्रांडेड जो इसे ओमरान का आ रहा है, रॉमसन्स का आ रहा है, हिक्स का आ रहा है, मॉर्फन का आ रहा है, ये सब ब्रांडेड है, इसकी रीडिंग सही आती है। बाकी जो सस्ते वाले आते हैं उसमें रीडिंग फिक्स होती है, 2-4 रीडिंगें